हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है थर्सडे और जो ये लोग हैं ये काम कर रहे हैं, तो इन लोगों ने हमें प्रॉमिस किया था ये आज तक काम करके देंगे, बट आज तक काम होगा नहीं क्योंकि कल मिरर का काम होना है। हमने मतलब राजा ने जो मिरर है वो देख लिया है, वो 6x4 का बोल रहे बहुत बड़ा है। अब वो मैं बोल रही हूँ ज़्यादा बड़ा मत लगवाओ, बट वो बोल रहे हैं कि सही लगेगा उस पर, मैंने ही देखा है। तो कल ये मिरर और मिरर की जो लाइटिंग हमने मंगवाई है वो होगी, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए सैटरडे तक जो काम है वो फुल फिनिश हो जाएगा। सैटरडे संडे तक लाइक मैटिंग से लेकर सब कुछ, मैं पूरे काम की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसका नहीं, पूरा जो काम है इवन अरेंजमेंट तक, तो वो सब संडे तक, मतलब संडे तक हो जाएगा। मंडे से मैं फ्री हो जाऊँगी तो थोड़ा सा रिलीफ है। तो मैंने अभी जो है बैंगन भून के रखे हुए, मैं जा रही हूँ बैंगन का भरता बनाने, ये लोग काम ही कर रहे हैं, तो चलिए पहले बैंगन का भरता मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ, उसके बाद फिर हम लोग रूम देखते हैं चल के। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए काम करने चलते हैं। जो खाना है वो मैंने चढ़ा दिया है, यहाँ पे जो काम है वो चल रहा है। लेटेस्ट न्यूज़, राजा जस्ट अभी आया है। लेटेस्ट न्यूज़ है, सांप घुस गया है घर के बाजू वाले घर में, तो शूट किया जाएगा। पता है संडे को, संडे बोल रही हूँ, अभी बारिश भी शुरू नहीं हुई है और यहाँ पे सांप आना शुरू हो गए हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा। पता क्या है, यहाँ पे बिल है, हम लोगों के घर के सामने ही बिल है, मतलब निकलते साथ ही बिल है। और अभी ना क्या हुआ, हम लोग का एक फ्लोर टूट गया है नीचे का, उसमें भी गड्ढा सा हो गया है, और जो ऐसे बैठने वाला है ना उस पर भी क्या बोलते हैं होल है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, जो मतलब साइड में रहता है गेट के बाहर, तो वहाँ पे होल है, वो होल जो था वो भरवा दिया था। पर हम लोग का जो घर है वो नीचे है, जब बरसात हुई तो पानी जो था वो आ रहा था, तो मेरे इन लॉज ने वो होल खोल दिया, तो वो होल से इनके घर में बार बार साफ घुस जाता है। एक बार तो हम लोग के यहाँ पे चूहा खा के, तब ब्लॉग है ना, चूहा खा के घुसा हुआ था, चूहा खा के जो उठ नहीं रहा था, तो अभी इन लोगों ने सांप पकड़ने वाला बुलाया है। तो मत जाओ यार। या, मैं ही पकड़ने वाला हूँ सांप, मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट लाया हूँ मैं खरीद के। ये देखो, ये सांप पकड़ने वाला है। सांप पकड़ने वाला है। टेने ने 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 अभी आया नहीं हो, कहाँ पे है? पर अंदर उनके घर में, कहाँ बरामदे में या कमरे में? हाँ, तुम तो और कमरे। बरामदे में क्या कर रहे हैं, जानी है वहां से? नहीं, अंदर गई। तो हम लोग वाला जो सांप था वो चूहा खा के पड़ा था, तो हिला नहीं, अगर वो कहीं घुस जाता तो दिक्कत होती, वो सुस्त था। और सर बहुत बारिश हो रही थी, और आपको पता है उस दिन वो सांप हमें काट भी लेता, राजा मारने को तैयार नहीं था, अंधेरा इतना था, मैंने बोला सांप है सांप है सांप है, राजा मारने को तैयार नहीं था, डर बड़ा रस्सी है। मैं आती, मैं मेरे से इतना दूर था, मैंने बोला यार मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे रस्सी जैसा लग नहीं रहा है वो, और जब मैंने टॉर्च चलाई तो वो सांप था। सोच के भी डर लगता है। तो मैंने प्याज व्याज सब डाल दी, बस मुझे भरता डालना है, मतलब जो बैंगन है उसमें से एक बैंगन में कीड़ा निकला है। भुनते टाइम क्या होता है, आप चेक कर लीजिए भुनने के बाद, तो बैंगन के जो कीड़े हैं ना वो उनके फाक निकलती है, ऐसे जब आप बैंगन खोलते हैं तो उसमें ना जो कीड़ा है वो दिख जाता है। तो एक बैंगन खराब हो गया, एक बैंगन जो था वो पहले से उसमें कीड़ा निकल गया। तो ये वाला बैंगन था इसमें छेद था, तो मैंने काट के देखा तो ये पहले से था, मैंने भुना ही नहीं। तो टोटल 5 बैंगन थे जिसमें से 3 बैंगन बन रहे हैं, 2 जो थे वो कीड़े वाले। क्या हुआ है,
मालूम तैयार हो गया है या नहीं हुआ है. तो इन लोगों ने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि ये थर्सडे तक काम कर लेंगे, बट ये हुआ है कोई काम खत्म नहीं हुआ है. यहाँ हमको मिल चुका है धोखा. धोखा मिल गया. ये काम अगर मान के चला जाए तो दो दिन का है या फिर एक ही दिन का हो चल रहा था. बोलो क्यों? वो सनमाइका लगनी है ना ऊपर, और ड्रॉज वगैरह तो लगनी है वो सब. ये कैसा लग रहा है ये बताओ. तो ये है वो अलमारी जो बन गई है. अभी हमें पर्दे लेने भी जाना है. तो हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ. तो ये जो अलमारी है ये बनी है. अभी इनमें फिनिशिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है. तो मैंने एग्जैक्टली एक अलमारी प्लेन रखी है क्योंकि राजा को ज्यादा काम नहीं चाहिए था. वो राजा को मैं दे दूंगी. ये तो लगाना भूल गए. तो यहाँ पे जो वार्डरोब है देखिए ये पूरा कम्प्लीट नहीं है. तो अभी यहाँ पे ना ये जो यहाँ पे एक आपको दिख जाएगी, क्या बोलते इसे? यहाँ तो ना कुछ लगेगा. इसे बोलते क्या है? रैक लग रही थी यहाँ पे सीमेंट की, या क्या बोलते हैं, सिंधी बोलते क्या बोलते हैं ये वाली. हाँ, तो वो टूट गई है और वहां से पुट्टी होनी है और उतारी होनी है. ऊपर ही लटकने के लिए काफी ज्यादा जगह मिल गई है. यहाँ पे दो ड्रॉर्स लग रही है और नीचे का जो सेक्शन है वो ये है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा जो क्लोजेट जिसमें ऐसे सामान रखना होगा मुझे हैंग करके. छोड़ दो बस अपने आप रहेगा. अच्छा हाँ, इसमें ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं सर, मैं आपको दिखा रही हूँ. ये गोदरेज का है. इसे हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन बोल रहा था सर. अब हाइड्रोजन मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हैं इसे. हाँ. तो वो लगा हुआ है. तो इससे क्या होता है, आप ऐसे छोड़ देंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. जो हमारी अलमारियां है ना वहां पे उनमें मैग्नेट लगी हुई है ऊपर, जो पुराना सिस्टम था. अब ये वाला जो है ये हमने प्लेन ही रखा है कि एक साइड मुझे नॉर्मल कपड़े रखने हैं उसके लिए. अब इनमें हैंड भी नहीं लगेगा तो बहुत मुश्किल. तो वहां का मैंने ये तुड़वा दिया है और ये तीन रैक यहाँ पे. तो ये हो गया. और कैसा लग रहा है आपको कलर? यहाँ भी है मुझे ये बताइए ये टेक्सचर कैसा लग रहा है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टेक्सचर, है ना? अच्छा लगा. हाँ, ये व्हाइट रूम में काफी अच्छा लग रहा है. एकदम प्लेन में ना जाके ये थोड़ा सा उसमें टेक्सचर अच्छा आ गया है. तो ये जो है अलमारी आई होंगी डन. अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सिस्टम. तो यहाँ के लिए हम लोग जो है ये देखिए काफ़ी बड़ी रैक्स हैं वो मिल रही है हमें. तो ये बहुत बड़ी टेबल है. तो आप मान के चलिए मैं आपको 3-4 दिन में पूरा कंप्लीट रूम का जो लुक है वो दिखा दूंगी. कल ऑलमोस्ट यहाँ पर मिरर आ जाएगा, मिरर लग जाएगा ना कदम. तो ये है ड्रॉज और ड्रॉजेस की स्पेस जो है वो बड़ी है. एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे दो दो करके 4 रखवा सकते थे, पर जो रैक्स का साइज था वो छोटा हो रहा था और राजा कह रहे हैं कि हम दोनों एक साथ तैयार हुआ करेंगे तो यहाँ पे दो वो डाल देंगे, दोनों बैठ जाएंगे और ये हो जाएगा. तो हम आपको दिखाते हैं साइज का. ये तो काफी स्पेशियस है देखिए. अगर एक खिसके तो अभी कटिंग होनी क्योंकि एक साथ सारी खिसक रही है. देखिए कितनी स्पेस है, ये देखिए स्पेस देखिए बस मस्त स्पेस है. हाँ, तो बहुत सारी स्पेस है. और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पास जो टेबल है इस पे भी बहुत स्पेस है. तो अब क्या है, हम लोग को सोचना है क्या करना है. अभी तो ये भी लगने पड़ देंगे. अरे वो लगेंगे अरे बहुत सारा काम है पता आपको, जो माइनर काम है ना वो रुक ना जाए. तो ये है तैयार हो गए. तो अब पता क्या बचा हुआ है, मुझे ये सामान करना होगा शिफ्ट जब भी फाइनल डन हो जाएगी. तो यहाँ का जो सामान है ये लोहे की अलमारी का, मुझसे आप लोग कह रहे थे कि जो लोहे की अलमारी है वो हटा देना. तो एक्चुअली में वो तो ऑब्वियसली हटेगी, वो रूम का शो खराब कर रही है. तो ये लोहे की अलमारी का जो सामान है ये यहाँ पे वो पूरा सामान यहाँ पे शिफ्ट होगा. तो यहाँ पे मेनली जो मेरे ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो आएंगे यहाँ पे. एक मैं सोच रही हूँ कि राजा के लिए भी रख लूँ क्योंकि क्या होता है वहाँ पर जो हम लोग की अलमारियाँ हैं उनमें भी हम लोगों ने अपना अपना डिवीजन लेके रखा हुआ है. बट क्या होता है राजा के जो कपड़े हैं वो वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, बोझों के बाल लग रहे हैं. तो डेली वेयर और बाहर के जो कपड़े वो मिक्स हो जाते हैं. तो एक मैं सोच रही हूँ उस ऊपर वाले जो है राजा को शायद ही, तो शायद या फिर बीच वाले कोई सी तो दे दूँगी.
बस इतना काम जो है वो हो गया है, मतलब अभी हुआ नहीं है कंप्लीट पर फिर भी हो गया है, तो इतना जो काम है वो हो गया है रूम का। और अब मैं जा रही हूँ कुछ बनाए खाने के लिए, मतलब मेरा जो वो है ना भरता वो बन गया, और आज मैंने गलती से भरते में हल्दी डाल दी, तो भरते में हल्दी डालती नहीं हूँ मैं, पर आज गलती से मैंने भरते में हल्दी डाल दी, तो मैंने एक बन बना के रखा था उसी पे मैं एक और बन रैप करूँगी, और ये लगा क्लचर और हो गई हूँ मैं किचन रेडी। तो अब जा रही हूँ मैं किचन में पराठा बनाने, पराठा विद बैंगन का भरता, यम्मी। सो चलिए रास्ते तो निकलते हैं अभी, ये भी फैला हुआ है। मैंने पराठे भी बना दिए हैं और मेरी हालत देखिए, मेरे काले एक आँख में लाइनर है एक में नहीं है। एक्चुअली जब मैं प्याज भून रही थी तो मेरे को इतना आंसू आया था, इतना आंसू आया था, एक ब्लॉक दोनों। सब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, सब चले चलते हैं, बहुत मेहनत से खाना बनता है ऐसी गर्मी में, आप लोग जानते हैं जो खाना बनाते हैं कि क्या होता है, क्या बीतती है जब खाना बनाना पड़ता है गर्मी में, सबसे टफ काम है फिलहाल ये। परेशान हो रहे हैं, हम लोगों ने खाना खा लिया तो एक्चुअली में जो कैमरा था ये चालू नहीं हो रहा था, तो हम लोगों को लगा खराब हो गया, उन लोगों ने खराब कर दिया, क्योंकि जब तक पेंटर थे ना तब तक चालू हो रहा था और हम लोग देखते रहते थे, मतलब राजा देखते रहते थे स्पेशली, तो ये चालू ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद फिर आज 3-4-5 दिन बाद राजा ने सोचा कि क्यों नहीं हो रहा, तो राजा ने इसे रीसेट किया है, रीइंस्टॉल किया है कि ताकि इसके जो फीचर्स वो दोबारा से जो है वो काम करने लगे। फिर बाद में पता चला किसी ने जो ये डेटा केबल है इसकी चार्जिंग, यहाँ पे जो डेटा केबल लगती है इस पे, कहाँ है बेबी? हाँ ये जो है ना डेटा केबल, ये किसी ने चेंज कर दी, मतलब ख़राब वाली लगा दी, इसलिए ऑन नहीं हो रहा था, और जो इसकी ओरिजिनल थी वो गायब है। तो आपको पता ही नहीं, मैं से किसी का काम है वो जो डेटा केबल है वो चेंज कर दी, और बहुत दिमाग का, मतलब क्या है अब देखिए, चार्जर जो है वो वाइट कलर का है और जो डेटा केबल है वो येल्लो कलर की है, तो इसकी डेटा केबल चेंज हो गई। उसके बाद उनने क्या किया है, ये जो होते हैं ना स्विच बोर्ड होते हैं वो नए लगवाए थे हम लोगों ने, उनने चार्जिंग प्लग लगा लगा के, उनका टाइट था क्या था, वो खींच खींच के उनके लॉक तोड़ दिए, तो उनने जो प्लग्स थे वो एकदम नए नए लगे थे जहाँ पे, वो उनने प्लग्स तोड़ दिए हैं। उसके बाद और क्या किया राजा, उनने राजा को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वही प्लग्स तोड़ डाले, कुछ नहीं, प्लग्स तोड़ दिए नए और डेटा केबल चेंज कर दी। अब उनसे बोलेंगे कि किसने चेंज करी, तो मानेगा ही नहीं, कोई नहीं मानेगा। है छोटी सी चीज, बट बात ये होती है ना कि इतनी इतनी सी चीजों को फिर लगता है कि यार कोई बड़ी चीज भी ना रखी हो, अब अलमारी ही रखी है बहुत बड़ी वहां पे, तो वो तो वैसे लॉक है। और अभी मिस्टर मैन जी उसमें चाबी लगा के छोड़ रहे थे, वो तो मैंने अभी गई उस रूम में कैमरा उठाने, क्योंकि लास्ट मैंने वहीं पे शूट किया था, कैमरा उठाने गई क्योंकि अभी सो जाते हैं और सुबह वो लोग आ जाते हैं, और वो चाबी थी वो लगी रह जाती, तो ये चाबी छोड़ गए थे। अब मैं ये मास्क लगा रही हूँ, ये है सी वीड एंड क्यूकम्बर फेस मास्क, और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद मैं आती हूँ और फिर हम इस व्लॉग का थोड़ा सा एंड कर देंगे, थोड़ा सा एंड करेंगे, बैटरी जाने वाली, कभी भी बंद होगा, कभी भी। बहुत ही बुरी स्मेल है इसकी, मड मास्क गर्मियों के लिए सबसे अच्छे होते हैं, जो कि इतना बुरा स्मेल मार रहा है। तो अभी से मैं ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद मैं जाके नहा के आती हूँ। सो मैंने जो शावर था वो ले लिया, और मैंने पता अभी नेल पेंट चेंज करी थी, फिर मैं बाथरूम क्लीन करने गई और ये वाले हाथ की देखिए निकल गई। तो अब हम लोगों ने, मतलब राजा ने डिसाइड किया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्हें बोला कि कल ये छुट्टी ले रहे हैं, है ना, तो कल ये छुट्टी लेंगे, कल ये कुछ भी करके पूरा जो काम है वो ख़त्म करवाएंगे, और जहाँ जहाँ इन्हें लग रहा है, क्योंकि क्या होगा, बोलो काम करके भाग जाएंगे और फिर क्या होगा। और अभी ना कुछ रॉड भी लगनी पड़ देगी एक, और कुछ काम बचा हुआ है, तो ये जो है रुक रहे हैं, कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब फ्राइडे को ये जाने ही देंगे, इन्हें बोला मैं नहीं जाने दूँगी जब तक जो काम है वो ख़त्म नहीं हो जाता।
तो अब मैं जा रही हूँ सोने और यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्टॉक को एंड और बहुत जल्दी आपको जो रूम है वो देखने मिल जाएगा पूरी तरीके से और सब कुछ अरेंज हो जाए दो तीन दिन के अंदर अंदर मेरा हॉल क्लीन हो जाए और सब हो जाए। काम काफ़ी फैलने वाला है, काफ़ी कुछ होने वाला है, तो ब्लॉग के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आपसे करती हूँ कल कंटिन्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और कल जो ब्लॉग है वो राजा करेंगे, कल की जिम्मेदारी राजा की है, जो जो काम होगा वो सब आपका है। हाँ, कल सारा काम का, कल जो ब्लॉग की आधी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं जा नहीं पाती हूँ, तो कल का जो ब्लॉग है वो करेंगे राजा। और राजा का ब्लॉग होता है बहुत अच्छा, अपना अपना राजा अपना ब्लॉग बहुत अच्छा।